रहीम रब्बे शराह ली सदरी व यसर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, टुडे आवर टॉपिक इज़ एसिड एंड बेस एंड देयर थ्योरीज, लुईस एसिड एंड बेस। माई ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइन अ लुईस एसिड एंड अ बेस एंड डिड्यूस द लुईस एसिड एंड अ बेस इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि लुईस एसिड और बेस क्या है, और डिड्यूस करना है आपने, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ द लुईस एसिड एंड विच वन इज़ द लुईस बेस। नाउ वार्म अप। हाउ कैन वन सब्सटेंस सच एज वाटर बी बोथ एन एसिड एंड अ बेस? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन, बिकॉज वाटर कैन एक्ट एज बोथ अ हाइड्रोजन आयन डोनर एंड अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, इट कैन एक्ट बोथ एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि वाटर बिहेव करता है एज अ एसिड भी और बेस भी, तो ये आपके पास क्लियर है एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है गिल्बर्ट लुईस। एन एसिड एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ बेस डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये बात याद रखनी है कि जो एसिड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लुईस अकॉर्डिंग टू लुईस, और बेस जो है वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस डेफिनेशन इज़ मोर जनरल दैन दोज ऑफर्ड बाई ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन बेटा उन्होंने हमें ये बताया था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर। अब वो कंपाउंड्स जिनके पास प्रोटॉन नहीं है और वो एसिड भी हैं बेस भी हैं, तो वो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो जैसे SO3 है वो एसिड है, CaO बेस है, लेकिन उनके पास प्रोटॉन नहीं है, तो दैट्स वाई ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी इज़ नॉट वैलिड ऑन द कंपाउंड विच हैव नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड लाइक दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। सो दैट्स वाई दिस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। दैट्स वाई वी लर्न गिल्बर्ट लुईस एंड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, लुईस एसिड एंड बेस क्या है? लुईस एसिड क्या है कि इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस क्या है दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज़ द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन बिहेव एज अ लुईस एसिड विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर इज़ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस इज़ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन पेयर, बिकॉज लॉन पेयर इज़ अ पेयर विच कैन नॉट पार्टिसिपेट या बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करे उसे हम कहते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर लुईस बेस इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लुईस एसिड एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बिहेव एज अ लुईस एसिड एंड दिस OH बिहेव एज अ लुईस बेस एंड दे फॉर्म अ वाटर। Now this is the example of Lewis acid and a base reaction in which this is the hydrogen ion in Lewis acid and this is the water H2O, this ये oxygen है और ये दो hydrogens हैं। यहाँ पर ये plus इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये simple है यानी कोई electron नहीं है इसके पास। यहाँ पर ये दो आपके पास pair of electrons नज़र आ रहे हैं, these are known as the lone pair। lone pair वो है जो donate कर दे pair of electron, यानी ये लॉन पेयर है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट्स वाई दे शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स हाइड्रोजन आयन। ये इसे दे रहा है, ये बेस है एंड दे इट विल एक्सेप्ट, ये बिहेव कर रहा है लुईस एसिड। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडक्ट, जो इसकी कम्बिनेशन से जिस प्रोडक्ट इज नोन एज द एडक्ट। एडक्ट ऑलवेज हैव द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ दिस इज़ द हाइड्रोजन आयन एंड दिस वन इज़ द अमोनिया एंड ये ब्लू N है, और ये आपके पास जो ग्रे कलर के ये हाइड्रोजन है, और ये आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, इसने अपना एक लॉन पेयर यहाँ पर इसे डोनेट कर दिया, तो ये देने वाला है, ये यहाँ पर बिहेव कर रहा है लुईस बेस एंड दिस वन एक्सेप्ट, ये बिहेव कर रहा है लुईस एसिड। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, दिस इज़ नोन एज द NH4 आयन, दिस इज़ नोन एज द एडक्ट। Page number 25, all these things are written on your book, so please learn all these things and write on your copy.